हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरप्रीत सिंह। आप देख रहे हैं इंडियन क्रिप्टोनेटर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे टॉप 5 कॉइन्स बताऊंगा जिनको मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप 2019 के जनवरी तक सेल करो, और जिनको मैं खुद भी 2019 के जनवरी तक सेल नहीं करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर मैं आपको जल्दी से जल्दी लेटेस्ट अपडेट पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, और जो आउट ऑफ द मार्केट चल रहा होता है और फाइनेंशियल मार्केट में कवर होता है उसके बारे में भी बताता हूँ। तो दोस्तों, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। आज ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जो कि लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए हैं, ना ही उनकी कोई खास न्यूज़ है, बट कईयों की न्यूज़ भी है, बट ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको आप शॉर्ट टर्म होल्ड करके सेल ऑफ करके वापस बाय कर लें। यू हैव टू बी पेशेंट हेयर। और आपको मतलब ये नहीं है कि अगर आपका कॉइन हाइप पे चला जाता तो आप सेल कर दें, या आपका कॉइन डंप हो जाता तो आप सेल कर दें। कोई अगर आपने मोटिव बना लिया तो आप उसके ऊपर उतरें जरूर। पहला कॉइन है इथेरियम। मेरे इन 5 कॉइन्स में से 2 टोकन्स है। तो टोकन्स के कौन से हैं? ERC20। ERC20 टोकन मतलब वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बेस्ड है, तो इथेरियम तो आना ही था। इथेरियम वैसे ही मेरा फेवरेट है। जैसा कि अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपको पता ही होगा बिटकॉइन से ज़्यादा अच्छा मुझे इथेरियम लगता है। तो इथेरियम तो वैसे ही मेरी एक रहनी थी। तो अगर आपको इथेरियम बाय करना, आप कॉइनएक्स से कर लगते हैं, और अगर आपको सेफली इसको स्टोर करके रखना है तो हार्डवेयर वॉलेट और सॉफ्टवेयर वॉलेट में आप एक्सोडस यूज कर सकते हैं। अब आती है प्रिडिक्शन की बारी। इथेरियम की मेरी 2018 की प्रिडिक्शन क्या है? मेरे हिसाब से इथेरियम, मैं ना आपको वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलूंगा कि सबसे कम कितना हो सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे कम इथेरियम 2000 डॉलर तक हो सकता है। 2000 डॉलर टू 2500 डॉलर तक 2018 में होगा ही होगा मेरे हिसाब से। अगला चलते हैं हम सेकंड नंबर लाइट कॉइन। फर्स्ट था इथेरियम, सेकंड नंबर लाइट कॉइन। लाइट कॉइन एक काफ़ी अच्छा छोटा भाई माना जाता है बिटकॉइन का, और काफ़ी अच्छा काम करता है। बोलते हैं ना, छोटा भाई हमेशा बड़े भाई से तेज़ होता है, तो छोटा भाई हमेशा ही तेज़ होता है, इसलिए लाइट कॉइन तेज़ है। तो लाइट कॉइन की ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छी है बिटकॉइन से। लाइट कॉइन की स्केलेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। लाइटनिंग नेटवर्क अभी पूरा नहीं हुआ है, बट अंडर कंस्ट्रक्शन है समझ लीजिए, और सप्लाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और मार्केट कैप भी कम है, अंडर वैल्यूड भी है। तो दोस्तों, लाइट कॉइन की प्राइस प्रडिक्शन देखी जाए मेरे 2018 में, सबसे कम रहेगी जो वो रहेगी 800 टू 900 डॉलर। तो और सबसे ज़्यादा हो सकती है यार, सबसे ज़्यादा कि मैं क्या बात करूँ, 2000 डॉलर तक जा सकता है लाइट कॉइन अगर अच्छे से काम किया तो। 2000 डॉलर कुछ भी नहीं है लाइट कॉइन के। अब तीसरे पे चलते हैं। तीसरा कॉइन है अपना नियो कॉइन। नियो कॉइन काफी अच्छा प्रोजेक्ट है। नियो कॉइन काफी अच्छी टीम के साथ चल रहा है, और नियो कॉइन POW भी नहीं है, जो कि मुझे नहीं पसंद। तो दोस्तों, नियो कॉइन जो है वो एक्चुअल में काम करता है। इसके ऊपर पूरी वीडियो आएगी नियो के ऊपर डीप एनालिसिस के साथ। तो वैसे अभी बता दूं कि नियो कॉइन जो है वो एक्चुअल में आपको डैप्स बना के देता है, प्लस स्केलेबिलिटी इशू के बिना। बिकॉज आपको इथेरियम में काफ़ी ज़्यादा स्केलेबिलिटी इश्यूज मिलेंगे, क्योंकि आपकी 1 सेकेंड के अंदर 10 से 12 ट्रांजेक्शन ही होती हैं। नियो में ऐसा नहीं है। नियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करता है, और इसके ऊपर काफ़ी 4 से 5 टोकन भी आ चुके हैं। तो दोस्तों, अभी ये अंडर वैल्यूड कॉइन है। अभी भी इतना बड़ा 1000x स्पाइक होने के बाद भी ये अंडर वैल्यूड कॉइन है, एडमिटेड। और दोस्तों, प्राइस प्रेडिक्शन देखी जाए नियो की 2018 में 300 टू 400 डॉलर के बीच में रहेगी मेरी लीस्ट, और मैक्सिमम मेरी रहेगी 800 टू 900 डॉलर जा सकता है, अगर मैक्सिमम हाई जा सकता है जो मेरे हिसाब से, ये इतना है। और लीस्ट जो रहेगी वो 300 तक रहेगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब चलते हैं हम बाइनेंस कॉइन। इसके बारे में तो यार आपको पता ही होगा अगर आप ट्रेडर हैं। बाइनेंस कॉइन बाइनेंस मार्केट पे अवेलेबल है। ये आपकी फीस 50% कम कर देता है। मैं इस कॉइन का स्टार्टिंग से फैन रहा हूँ, और अभी भी हूँ। और देखा जाए, इस कॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन देखी जाए तो मेरे हिसाब से अभी 9 डॉलर है। ये 30 डॉलर टू 40 डॉलर कहीं नहीं गया 2018 में। लेकिन 40 डॉलर से अगर देखा जाए, ये नई नई हाइस जो करेगा अपनी, मेरे हिसाब से ये 100 डॉलर भी आराम से जा सकता है अगर बुल मार्केट हुई और हमारी मार्केट कैप 1 टू 1.5 ट्रिलियन के आसपास चली गई। तो एक इस कॉइन का जाना 100 डॉलर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब आते हैं फिफ्थ कॉइन और लास्ट कॉइन, सिंगुलैरिटी नेट। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, आप इसको बाय कर लीजिए।
ये AI पे बेस्ड क्वाइन है और काफी अच्छी टीम के साथ चल रहा है, बहुत अच्छा काम करेगा। AI ही फ्यूचर है, बिलीव इट और नॉट। काफी मूवीज आ गई हैं, आप जाके मूवीज ही देख लो यार, AI फ्यूचर है। तो ये क्वाइन अभी टॉप करके आया 1.67। तो मैं JR बिजनेस तो हूं नहीं जो आपको बोल रहा है कि भाई ये टॉप करके आया, बॉटम में आप खरीद लो, ऐसा नहीं है। ये क्वाइन काफी अच्छा है, ये क्वाइन काफी अच्छा काम कर सकता है। और मेरी जो सोच है, ये क्वाइन $5 तक तो जाएगा ही यार, $5 नहीं तो $3 to $4 के बीच में जाएगा ही जाएगा 2018 में। और अगर 1.5 ट्रिलियन, जैसे कि मैंने बात की, तो 1.5 ट्रिलियन to 2 ट्रिलियन के बीच में अगर मार्केट कैप पूरी क्रिप्टो करेंसी की हो जाती है, पूरी मार्केट कैप कैपिटलाइजेशन हो जाती है कॉइन मार्केट कैप की और अपनी क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो इस कॉइन का $10 भी जाना कोई ताजुब नहीं है। तो ये कॉइन अगर आप बाय करते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली अपने इथीरियम के प्राइवेट की वॉलेट में सेंड कर सकते हैं, आप इसको कुकॉइन से बाय कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ रखने हैं, इथीरियम को आप एक्सोडस में रख सकते हैं, सिंगुलैरिटी टोकन को आप इथीरियम में रख सकते हैं जिसके आप जिसकी प्राइवेट की आपके पास है, बाइनेंस कॉइन को आप बाइनेंस मार्केट में ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सोडस पे रख सकते हैं लाइट कॉइन को, और नियो को आप नियॉन वॉलेट में रख सकते हैं। और दोस्तों आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो भी शॉर्ट हुई, और यही एक पांच कॉइन्स थे जिनको मैं चाहूंगा ना ही मैं सेल करूं ना ही आप सेल करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें उन दोस्तों के साथ जो ऐसे पांच कॉइन ढूंढ रहे हैं जिनको वो 2019 तक पकड़ के रखेंगे। और अगर आपको हमारी सारी वीडियोस पसंद आती हैं और आप देख भी सकते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, दिस इज अमरप्रीत सिंह AKA इंडियन क्रिप्टोनेटर साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।